फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कितना मस्त लोकेशन पर है। बट इधर का रास्ता आप लोग देख सकते हैं, बारिश तो आगे लग रहा, फ्रेंड के पास जाना होगा देखिए। और इधर का देखिए नीचे व्यू, वो पूरा एकदम स्पीड पे ही भाग रहा है। देखिए दोनों हैंडल छोड़ दिए हम लोग। हे गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस अभी इवनिंग के शाम के बज रहे 3:30 बिकॉज यहाँ पर ना अभी बारिश होने वाला है और काफ़ी मौसम ख़राब कर दिया। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए, हमें एक फ्रेंड है तो बिकॉज साइकिल से निकल रहे हैं, तो बाइक तो है नहीं, चलिए साइकिल से ही। बहुत दिन के बाद आज फिर ब्लॉग करते हैं तो मज़ा आएगा, तो चलिए ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग घर से तो निकल चुके हैं और अभी रास्ते में, तो चलिए चलते कोई अच्छा सा लोकेशन में, बट जाने के बाद ही पता चलेगा, तो चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए बैक कैमरा का लुक, और इधर साइकिल चल रहा अपना। व्यू देख सकते हैं आप लोग, काफी मस्त है व्यू और मौसम भी काफी अच्छा है। हमने सोचा कि बारिश होगा पर हुआ नहीं, तो गाइस लग रहा था कि मतलब कि बारिश आएगा काफी तेज, बल्कि आया नहीं। चलो अच्छा है और फंसे नहीं, तो हर वक्त सोचते हैं कि निकलेंगे कहीं घूमने के लिए बट पानी आ जाता है। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो फूल उगा था यहाँ पर पहाड़ के साइड पर व्हाइट वाला, तो वहीं पर आए हम लोग, तो दिखाते हैं सबसे पहले। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कितना मस्त लोकेशन पर है। बट अभी क्या हो रहा है ना कि ये वाला सिनेमेटिक वीडियो बन रहा है, इसलिए आपको दिखेगा ना बढ़िया से, तो हम बैक कैमरा से दिखाएंगे बिकॉज अभी आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त है। तो यहाँ फोटो शूट करवा रहे हैं, आप लोग इंस्टा पर देखिएगा जाके बहुत। तो गाइस ये वाला फूल शायद बंगाली में क्या बोलता है तो मुझे तो नहीं पता, तो फ्रेंड से पूछते हैं क्या फूल बोलता है इसको। काश फूल बोलता है, काश फूल इसको बोलता है, काश फूल। तो आप लोग जिसको पता नहीं, आप लोग आई होप कि आप लोग पता चल गया होगा, हमको भी पता नहीं था। और यहाँ देखिए नीचे पूरा खाई है पर दिख नहीं रहा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा फ्रेंड जो कि हम लोग आए थे इसके साथ, और बारिश अभी होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो हमको निकलना होगा नहीं तो यहाँ पर फंस भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जितना जल्दी हो सके हम लोग निकलते हैं, फोटो शूट हो चुका कंप्लीट। चलिए गाइस किसी दिन और मिलते हैं, तो छोटा सा ही ब्लॉग है पर देखते हैं क्या होता है, यदि बारिश नहीं आया तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और यदि आ गया तो फिर निकलना पड़ेगा, तभी चलते कुछ अलग जगह पर। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर गए थे इसके अंदर पर, मतलब कि ब्लॉक रील शूट करने गए थे। और ये देखिए पूरा एकदम मतलब चूटी काट लिया, एकदम वहाँ पर चूटी था काफ़ी सारा जो कि आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग रील शूट कर रहे थे और ये देखिए पेंट पे पूरा चिपक गया ये सब वाइट वाला देखिए, और वहाँ चीटी था आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए निकलते। तो गाइस साइकिल से आने में ना मतलब कि यहाँ पर कोई भी लोकेशन रहे फ़ोटो क्लिक करने में काफ़ी मज़ा आता है, और भैया के संग आते हैं तो थोड़ा बाइक से आते हैं तो हमको जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, और ऐसे घूमते फिरते आते तो ये सही रहता है, रील भी हो जाता है और यहाँ पर ब्लॉग भी शूट हो जाता है, फोटो शूट भी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। A few moments later, हम लोग घर से ना इतना दूर आ चुके हैं ना, लगभग 4 या तो 5 किलोमीटर तो ज़रूर होगा साइकिल से हुई, पर देखते हैं मेरा कब होगा बाइक। आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर किसी दिन और होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कुछ करना नहीं है, पैसा तो नहीं लगता, बस सब्सक्राइब एंड लाइक करना है, तो फटाफट से कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, हो सके आप लोग करिए, बिल्कुल भी लेट नहीं करिए, क्योंकि ये शुभ काम है सब्सक्राइब करना। फाटक था तो उसको बंद करके यहाँ पर नीचे से अंडरग्राउंड किया है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, फाटक में फंसना नहीं पड़ता है अब। चलिए सामने से दिखाते हैं, और यहाँ से देखिए ये बुलोरो भी यहीं से आया जस्ट एकदम अंडरग्राउंड से। तो गाइस हम लोग पूरा आगे आ चुके थे पर यहाँ पर कोई लोकेशन अच्छा नहीं था, तो अब चलते उधर घर की तरफ और अलग रास्ता से जाते हैं सबसे पहले, वो मिट्टी का रोड है। तो गाइस अभी अंडरग्राउंड होके चलते हैं, तो चलिए दिखाते हैं, काफ़ी मस्त। ऊपर देखिए आप लोग ट्रेन जा रहा है ऊपर, और नीचे हम लोग, तो साइकिल का स्पीड आप लोग देख सकते काफ़ी तेजी से जा रहा है। और इधर से तो गाइस ये गुफा का खासियत देख सकते हैं आप लोग, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, आवाज़ आप लोग सक सकते हैं 2-3 बार रिपीट होता आवाज़ बोलने से, और पूरा अंधेरा अंधेरा है। कार भी उधर से ही निकल के आया, और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर से आ चुके हैं हम लोग उधर से इधर। तो गाइस अभी इतना दूर आ चुके हैं पर बोल नहीं सकते आपको, एक बार आए थे बाइक से भैया के संग जो कि खदान दिखा रहे थे महालक्ष्मी का दूसरे साइड वाला, तो फिलहाल अब भी आ चुके हैं, तो फ्रेंड को पता नहीं था तो बोला कि चलो हमको देखना है, तो इसलिए हम लोग आ चुके हैं और दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो गाइस ये देखिए खदान जो कि हम लोग और एक बार भी दिखाए थे, और ये देखिए बड़ा बड़ा गाड़ी सब कैसे चल रहा है।
ये सब काफी बड़ा है पर लेकिन कैमरा में समझ नहीं आ रहा उतना, पूरा मस्त व्यू आ रहा है। तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त एकदम खदान का व्यू आ रहा था, बट यहाँ से ना फोटो उतना अच्छा नहीं आ रहा था, फिलहाल निकलते क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा मतलब आना सही नहीं है बार बार। तब पर भी हम लोग आ चुके हैं सिर्फ आप लोग के चलते, पर आप लोग लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, ये सब गलत बात है। वीडियो देखते तो ज़रूर किया करिए। तो गाइस अभी हम लोग पूरा जा रहे थे, मतलब कि यहाँ पर ना बारिश टपकने लगा काफ़ी ज़ोर से, पर वीडियो में पता नहीं चल रहा, थोड़ा और जोर होगा तब पता चलेगा। तो अभी फिलहाल वीडियो को बंद करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं घर के पास, या तो फिर देखते हैं एक फ्रेंड का भी घर यहीं पर है, अगर उसके पास यदि जा सकते हैं, अगर ज़ोर से आ गया ना बारिश तब जा सकते हैं। अरे भाई पूरा फुल स्पीड ऑफरोडिंग हो रहा साइकिल का, पर लेकिन खतरा भी हो सकता है, देखिए दोनों हाथ छोड़ दिए। इधर का रास्ता आप लोग देख सकते हैं, बारिश तो आगे लग रहा, फ्रेंड के पास जाना होगा देखिए। और इधर का देखिए नीचे अभी वो पूरा एकदम स्पीड पे ही भाग रहा है, देखिए दोनों हैंडिल छोड़ दिए हम लोग। फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं एंड अभी घर के पास है रोड के पास, तो हम सोच रहे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते, काफी तेज बारिश आ गया था इसलिए हमको वहां से फिर भागना पड़ा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, पसंद तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।